ठीक है, तो हम इंटरफ्रेंस इन वैश्य फिल्म कर चुके हैं। वैश्य फिल्म में मैंने रिफ्लेक्टेड वाला करा दिया था आपको। ट्रांसमिटेड में सेम रिफ्लेक्टेड जैसा होता है जैसे थिन फिल्म में हमने किया था, कि लैम्डा बाय टू का जो एडिशनल पाथ करते हैं लैम्डा उसमें रिफ्लेक्टेड में, वो हम ट्रांसमिटेड में नहीं करेंगे, है ना। फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लगाएंगे, तो वैश्य में भी सेम वैसे ही आएगा जैसे थिन फिल्म में आया था, कि जो कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी। ठीक है, तो वैच शेप फिल्म का ही एक्सटेंशन है हमारा जो आज का लेक्चर है। टुडेज लेक्चर इज ऑन न्यूटन रिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में है ये हमारे, है ना, न्यूटन रिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले न्यूटन रिंग क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो ये डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2D पिक्चर दिखेगी, लेकिन आप 3D में इसको इमेज करके सोच सकते हैं कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे समझिए क्लास आप जो है कोई कटोरी या कुछ ऐसा बाउल वगैरह लेके बैठे हैं, ठीक है। तो ऊपर से प्लेन है और नीचे से कर्व सरफेस है। इसको हमने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, नीचे ये ग्लास प्लेट है सिंपल। तो जब हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे, तो ऐसे कर्व की वजह से यहाँ पर एयर फिल्म बन जाएगी। दिख रही है ये बीच में एयर फिल्म, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की, तो लाइट क्या होगी। पहले तो ये बताइए, जो ये एयर फिल्म है इसकी शेप कैसी है। हमने दो तरह की फिल्म पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म और एक वैज शेप्ड फिल्म। ये वैज शेप जैसी है, देखिए जहां पर ये टच कर रहा है वहां पे थिकनेस जीरो है, जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वैज शेप जैसा ही इसकी थिकनेस है। तो क्या हो रहा है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो जो एयर फिल्म का अपर सरफेस है और जो एयर फिल्म का लोअर सरफेस है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और उन दोनों के बीच के सुपर पोजिशन को हम आई से ऑब्जर्व कर लेंगे या माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो हमें इसमें क्या होता है, सर्कुलर रिंग्स दिखाई देती हैं। वो सर्कुलर डार्क और ब्राइट कलर, वो सर्कुलर रिंग सबसे पहले जो है न्यूटन्स ने ऑब्जर्व की, इसलिए इसको हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। फिर से सुनिए क्या बोला, जब हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक एयर फिल्म फॉर्म हो जाती है जो वैज शेप्ड की है। अब अगर हम इस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, वो लाइट अपर सरफेस ऑफ फिल्म, एयर फिल्म, और लोअर सरफेस ऑफ फिल्म, या ये बोल सकते हैं लोअर सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, और उन दोनों के सुपर पोजिशन से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस या रिंग्स दिखाई देती हैं। उनको न्यूटन्स रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन्स ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड कर लेती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक्सप्लेन ब्रीफली वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर, वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर। और करके दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्रूव दैट डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल
आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. दोनों भी पूछ सकता है, डायमीटर और एक भी आ सकता है, दोनों ही तरीके से इम्पोर्टेंट है. और डायमीटर ऑफ डार्क रिंग आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. ऊपर वाले के लिए ऑड नेचुरल नंबर है, यहाँ पे खाली नेचुरल नंबर है. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्सप्लेन ब्रीफली बाय न्यूटन रिंग आर सर्कुलर. सेकेंड पार्ट है या इसी का दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट. प्रूव दैट इन रिफ्लेक्टेड लाइट डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं. इसको डायग्राम भी बनाने हैं और फिर ये डेफिनेशन भी लिखनी है. व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद इट्स कॉन्वेक्स सरफेस प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट एन एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस इज फॉर्मड बिटवीन टू. The thickness of the film at the point of contact is zero. If the monochromatic light is allowed to fall normally and the film is viewed in reflected light, the alternated dark and bright rings concentric around the points of contact of lens and glass plate are seen. Since the phenomena was first described by Newton, that is why the rings are known as Newton's ring. So, इसको note down कर लीजिए. हो गया मैम. चलिए तो next slide करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो उसको और थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश की है. इस वाले डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. यहाँ पर जो फिल्म है इस तरीके से है कि बहुत नैरो है ना, बहुत बहुत ही छोटी होती है. चलिए तो इसको नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ. अब इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को समझते हैं. ये क्या है, ये एक्चुअल न्यूटन रिंग है जो हमें रिंग्स दिखती है. ठीक है, ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में जो हमें रिंग्स दिखती हैं वो इस तरीके की दिखती हैं. सेंटर में डार्क दिखता है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके की रिंग्स दिखाई देती हैं. चलिए इसको समझते हैं, आप अरेंजमेंट फिगर को समझते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एस हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, एल हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. इसके फोकस पे ये सोर्स रखा हुआ है. क्यों रखा हुआ है कि यहाँ पे जब फोकस पे लेंस के फोकस पे सोर्स होगा तो बीम्स हमें पैरेलल बीम्स मिल जाएंगी. फिर एक ग्लास प्लेट है जी जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है. एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे ग्लास प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पास टच होके रखे हुए हैं. जब लाइट सोर्स से लेंस L1 पे पड़ेगी तो पैरेलल बीम्स ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट होंगी, यहाँ से 45 डिग्री पे वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे और नॉर्मल इंसिडेंस होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में. तो लाइट क्या है, कुछ लाइट जो है अपर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, कुछ लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, या ये कह सकते हैं कुछ लोअर सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, कुछ लाइट लोअर सरफेस से या अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर आएगी. तो इन दोनों के बीच का जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है और इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो हम इस फिल्म में ऑब्जर्व कर लेंगे. तो एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एट द फोकस ऑफ लेंस L1. A horizontal beam of light fall on a normal glass plate G at 45 degree. The glass plate G reflect a part of incident light towards the air film enclosed by lens L and glass plate P. The reflected beam from the air film produce interference is viewed with the microscope. We get dark and bright circular fringes. This is due to interference between light reflected from lower surface of the lens and upper surface of the glass plate. चाहे तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि light जो है lower surface लेंस के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और ग्लास के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, या इसको एयर फिल्म की टर्म्स में लिख सकते हैं कि एयर फिल्म की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है. तो कोई भी लैंग्वेज लिख लीजिए, सेम ही बात कह रहे हैं हम यहाँ पे. तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए और इसके साथ की लैंग्वेज लिख लीजिए और हेडिंग डाल लेना न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट.
तो यहाँ पे साइड में फिगर है इस तरीके की, ये रिंग्स हैं कि सेंटर में डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है. वैसे येलो कलर में दिखता है जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था. हो गया मैम. अब क्या कर रहे हैं हम, इसकी थ्योरी कर रहे हैं. तो न्यूटन रिंग बाय रिफ्लेक्टेड, हम रिफ्लेक्टेड का केस ले रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड के केस में थ्योरी कर रहे हैं. वैश्य फिल्म में हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया था, डेल्टा पी 2 μ t cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाय 2. जिस जगह फिल्म टच हो रही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट से टच हो रहा है, उस जगह थिकनेस 0 है, तो पार्ट डिफरेंस हमारा डेल्टा पी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. यहाँ पर टी की जगह 0 रखेंगे तो डेल्टा पी इक्वल टू लैम्डा बाय 2. ये हमारा ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाय 2 का, तो पार्ट डिफरेंस जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है वो मिनिमा की कंडीशन होती है. तो इसलिए हमें सेंटर पे रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क दिखाई देता है. तो जिस जगह टच कर रही होती है ये, उस जगह रिफ्लेक्टेड के केस में हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है. दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एंड द सेंटर स्पॉट ऑफ द रिंग इज डार्क. तो जो ऊपर वाली कंडीशन है इसी को दोबारा लिखते हैं. सेंटर के लिए तो पता लग गया डार्क है, अब बाकी पॉइंट्स के लिए जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वहां पर तो थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो उन पॉइंट्स के लिए इस कंडीशन को दोबारा लिख लेते हैं. हम क्या कर रहे हैं, लाइट नॉर्मली फॉल कर आ रहे हैं, लाइट नॉर्मली फॉल हो रही है तो इंसिडेंट एंगल हमारा 0 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, तो हम इस आर की जगह 0 लिख सकते हैं. तो पार्ट डिफरेंस हमारा हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए 2 μ t cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और स्मॉल आर. कैपिटल आर क्या है और स्मॉल आर क्या है वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी. फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे. कंडीशन फॉर मैक्सिमा होती है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. टू टी की वैल्यू रखने के बाद हम पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 कर लेंगे. फिर टी की वैल्यू रखने के बाद पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 कर लेंगे, मिनिमा की कंडीशन कर लेंगे, और फिर डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ तक इक्वेशन 1 तक नोट करिए, उसके बाद फिर इस फिगर को नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं और क्या कह रहे हैं वो समझते हैं. ठीक है, यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमने वैश्य फिल्म का पार्ट डिफरेंस की कंडीशन लिखी है. फिर जिस जगह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस जगह टी 0 लिया है, तो डेल्टा पी लैम्डा बाय 2 आ गया जो मिनिमा की कंडीशन है, इसलिए हमें सेंटर में डार्क दिखाई देता है. रिफ्लेक्टेड के केस में नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आई इक्वल टू 0 हो जाता है, आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस 2 μ t cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. तो यहाँ तक नोट करिए, फिर इसको आगे करते हैं. अब ये फिगर नहीं बनाइएगा जो यहाँ पे बन रही है, ये नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे इस फिगर को. वो तो बना लिया सर. बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में भी तो यही फिगर है, तभी समझ लेंगे इसको, है ना. समझ तो यहीं पे लेंगे, अब जब बना लिया है तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में डेरिवेशन कर लेंगे जो टी और आर के बीच में हमें चाहिए.
बस आज हम टी ही कैलकुलेट करेंगे और फिर कल हो गया हम मैम। वैल्यूज पुट करके इसको समझेंगे। अभी सबका नहीं हुआ होगा ना। चलिए तो इसको समझिए। हमने ये जो सॉलिड लाइन खींच रखी है और ये नीचे जो हमारा कर्व सरफेस है, इसको मैं पहले कलर से चेंज कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये लाइन और ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। जिस जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसको हमने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। फिलहाल इस ग्लास प्लेट का नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं तो इस पी से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। नहीं, या फिर इसका नेमिंग चेंज कर लीजिए, इसको बी लिख लीजिएगा आप अपनी फिगर में। हमने क्या किया, जिस स्पेयर का ये पार्ट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उस स्पेयर को पूरा ड्रॉ कर दिया। ये जो ड्रॉ कर रखा है, जिस स्पेयर का ये पार्ट है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उस स्पेयर को ड्रॉ करा हुआ है डॉटेड लाइन से। इस स्पेयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर है, तो इसका डायमीटर 2R हो जाएगा। तो आप चाहे सीपी लिख लीजिए, सीपी भी आर होगा। सीओ लिख लीजिए, सीओ भी आर होगा। सी एच लेंगे तो सी एच भी आर होगा, अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो भी आर होगा, है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर पॉइंट है सी। जिस स्पेयर को हमने ड्रॉ कर रखा है उसका सेंटर है सी। ओ क्यू, या कह लीजिए ये वाला पॉइंट, ये क्या है, एयर फिल्म की थिकनेस है टी। पी क्यू इज द थिकनेस ऑफ फिल्म, ठीक है। इस पॉइंट पे इधर कम है, इधर कम है, इधर कम है, और जिस जगह टच कर रहे हैं वहां तो थिकनेस 0 है। इधर से इधर दूर जाएंगे तो थिकनेस बढ़ जाएगी। फिलहाल इस पॉइंट पे थिकनेस टी है। इस जगह जो हमें रिंग दिख रही है उसका जो रेडियस है वो हम आर एन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जिस स्पेयर का पार्ट था हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उस स्पेयर को ड्रॉ किया है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने कैपिटल आर से दिखाया है। फिर जो हमें इसमें सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे रही हैं एयर फिल्म में, उस रिंग का जो हमने रेडियस है वो हमने आर एन लिया है, एन लिया है, एनथ रिंग दिखाई दे रही है। वो डार्क है, ब्राइट है, वो कंडीशंस पे हम बाद में लिखेंगे। एनथ रिंग का डायमीटर हमने, वो सॉरी रेडियस हमने आर एन लिया है, तो इसका जो डायमीटर होगा डी एन, वो हमारा 2RN हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारी एनथ रिंग है उसका यहाँ पे जो एयर फिल्म का जो थिकनेस है उसके लिए टी है, तो पी क्यू हमारा टी है। तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं कुछ लिखूं तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी टी हो जाएगी, और यहाँ से जो सी ये है, ये वाली डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, जो यहाँ से हम लिखेंगे, ये पैरेलल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे सपोज, सपोज फिगर तो आप बना ही चुके हो, लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज द रेडियस, सपोज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कैपिटल आर एंड द एयर फिल्म इज ऑफ थिकनेस टी एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ओ क्यू आर एन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ
ठीक है, इस फिगर में सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर थिकनेस टी है, मतलब पी क्यू टी है इस पॉइंट पे, यानी कि सीपी हमारा कैपिटल आर है। ई ओ कितना होगा, सेम यही लाइन तो जा रही है इधर, तो सी ई ओ भी हमारा टी होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सी ओ की, सी ओ हमारा कैपिटल आर है, तो सी ई हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रायंगल है, इसको आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। ट्रायंगल है हमारे पास सी पी ई, इसमें आप पाइथागोरस यूज कर लेंगे, ठीक है। ये मैं क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमें जो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो ये चीज दिखा रही है कि अंदर जो रिंग्स दिख रही हैं, जिसका हम रेडियस जो है यहाँ से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हम आर एन ले रहे हैं। तो ट्रायंगल सी ई पी में हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो हो जाएगा सी पी स्क्वेयर इक्वल टू सी ई स्क्वेयर प्लस ई पी स्क्वेयर, ठीक है। तो सी पी स्क्वेयर इक्वल टू सी ई स्क्वेयर प्लस ई पी स्क्वेयर, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो सी पी है हमारा कैपिटल आर स्क्वेयर, सी ई है हमारा आर माइनस टी स्क्वेयर, ई पी है हमारा आर एन स्क्वेयर, और इसको भी ओपन कर लीजिएंगे, आर स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर माइनस टू आर टी प्लस आर एन स्क्वेयर। आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, जिसमें से ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ हुआ है। टी क्या है, एयर फिल्म की थिकनेस, और आर एन क्या है, जो हमें रिंग्स अंदर दिख रही हैं इस फिल्म के अंदर, उस रिंग का रेडियस। अब मैं ये बोलूं कि इफ कैपिटल आर इज वेरी लार्ज, अगर कैपिटल आर जो है बहुत बड़ा है, तो टी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे कैपिटल आर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे टी पे क्या फर्क पड़ेगा, टी जीरो हो जाएगा। टी जीरो नहीं होगा, टी कम होता जाएगा, है ना, कम होगा। जैसे जैसे, हाँ, जैसे जैसे आर हमारा लार्ज होगा, वैसे हमारा टी जो है ये कम होता जाएगा, क्योंकि ये कर्व सरफेस उतनी ही प्लेन होती जाएगी, तो यहाँ पे थिकनेस कम होती जाएगी, तो टी स्क्वायर जो है और स्मॉल हो जाएगा, कैन बी नेगलेक्टेड। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि 2RT इक्वल टू आर एन स्क्वायर, और थिकनेस हो गया हमारा आर एन स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये थिकनेस की वैल्यू जो हमने पार्ट डिफरेंस लिया है उसमें रख देंगे, फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे। पहले मैं इक्वेशन वन लिख लेती हूँ, यहाँ इक्वेशन वन क्या थी हमारी, इक्वेशन वन थी हमारी डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी था टू म्यू टी cos थीटा प्लस लैम्डा बाय टू, ठीक है। और आर टी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी हमने आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर। तो क्या करना है, पहले इस टी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करनी है, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हमें थीटा को, तो पहले टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। Now, delta P equal to 2 mu R n square upon 2 R cos theta plus lambda by 2. इस 2 से ये 2 cancel हो गया, और delta P equal to mu R n square upon capital R cos theta plus lambda by 2. थीटा इज वेरी स्मॉल, क्यों स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल आर जो है बहुत लार्ज होता है, ठीक है। स्मॉल
सीन्स कैपिटल आर इज वेरी लार्ज. तो डेल्टा पी इक्वल टू म्यू आर एन स्क्वेयर अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा वन हो जाएगा स्क्वेयर प्लस लैम्डा बाय टू. तो हमारी ये कंडीशन हो गई. बस अब क्या करेंगे, इस पार्ट डिफरेंस को एक बार मैक्सिमा के लिए रखेंगे और एक बार मिनिमा के लिए रखेंगे. ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए जब रखेंगे तो मैक्सिमा का डायमीटर आ जाएगा, जब मिनिमा के लिए रखेंगे तो मिनिमा का डायमीटर आ जाएगा. तो पहले यहां तक नोट करिए, उसके बाद फिर डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट कराऊंगी, फिर डायमीटर ऑफ डार्क रिंग. मैम डन. चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग मैं कैलकुलेट करूंगी, फिर डार्क का मुझे आप कैलकुलेट करके भेजेंगे. डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर ब्राइट रिंग द पार्ट डिफरेंस should be, sorry, maxima के लिए क्या होता है, even multiple होता है ना, तो for bright ring the path difference should be even multiple of lambda by 2. तो delta p equal to lambda by 2. तो डेल्टा पी कितना आ रहा है एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे ऐसे याद, चलो मैं कोशिश करती हूँ. म्यू आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर प्लस लैम्डा बाय टू, है ना, इवन मल्टीपल है तो लैम्डा बाय टू, टू एन लैम्डा बाय टू. पार्ट डिफरेंस यही था. तो यहां से हमारा म्यू आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू even multiple of lambda by 2 है, तो 2n minus 1 lambda by 2 और rn square equal to 2n minus 1 capital R upon 2 mu. कुछ मिस हो रहा है, हाँ यहाँ lambda. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो रेडियस आ गया. इफ डी एन इज डायमीटर, इफ डी एन इज डायमीटर ऑफ एनथ ब्राइट रिंग, इफ डी एन इज द डायमीटर ऑफ एनथ ब्राइट रिंग, then dn और rn में क्या रिलेशन होगा, dn इक्वल टू 2rn और या कह लीजिए rn इक्वल टू dn बाय 2. तो ये वैल्यू रख देंगे rn की जगह, तो dn बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 2n minus 1 r lambda upon 2 mu और हो जाएगा dn equal to 2n minus 1 r 2 lambda upon mu और इसका पूरे का अंडर रूट. तो ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, हमारा ये आ जाएगा. और r भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, lambda भी कांस्टेंट है, mu भी कांस्टेंट है, तो dn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n माइनस 1. तो जो हमने कल क्वेश्चन लिखा था वो हो गया कि द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज
प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, ये मैंने आपका किसके लिए कैलकुलेट कराया, ब्राइट रिंग के लिए. अब ये आप डार्क रिंग के लिए कैलकुलेट करिए. ठीक है, तो एडिंग है डायमीटर ऑफ डार्क रिंग. ठीक है, तो कैसे आएगा डार्क रिंग का डायमीटर? फॉर डार्क द पार्ट डिफरेंस. मैम हाँ बोलिए. मैम मेरा अंडर रूट एन माइनस वन आया. एन माइनस वन नहीं आएगा. तो देखिए अब आपको पता लग जाएगी क्या गलती हो रही है. फॉर डार्क द पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू. डेल्टा पी इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, है ना. पी क्या है हमारा? पी था हमारा आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर म्यू प्लस लैम्डा बाय टू इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू. ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा म्यू आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू लैम्डा बाय टू कट जाएगा तो टू एन लैम्डा बाय टू. इस टू से ये टू कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे. आर एन स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन लैम्डा आर अपॉन म्यू. तो ये तो हमारा रेडियस है, सेम वैसे ही करेंगे. इफ डी एन इज द डायमीटर ऑफ एनथ डार्क रिंग देन डी एन बाय टू इक्वल टू आर एन. तो यहाँ पे आर एन की जगह डी एन बाय टू स्क्वायर इक्वल टू एन लैमडा आर अपॉन म्यू और डी एन स्क्वायर इक्वल टू ये फोर इधर चला जाएगा एन लैमडा फोर आर अपॉन म्यू और ये सब कांस्टेंट हैं तो डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन. और यहाँ से भी हम ये भी लिख सकते हैं डी एन इक्वल टू अंडर रूट एन लैमडा फोर आर अपॉन म्यू. तो यहां से क्या निकल के आया? द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, ये नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं. हमने ये रिफ्लेक्टेड के लिए किया है, ऐसे ही हम ट्रांसमिटेड के लिए कर सकते हैं, है ना. और ट्रांसमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, ये जो हम प्लस लैम्डा बाय टू एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ये नहीं लेंगे, तो कंडीशन जस्ट उल्टी हो जाएंगी. जो यहाँ पे डार्क के लिए आई वो वहां ब्राइट के लिए आएंगी, जो यहाँ ब्राइट के लिए आई है वो डार्क के लिए आएंगी. ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ट्रांसमिटेड के लिए भी कर सकते हैं और ये बोल भी सकते हैं कि ट्रांसमिटेड के केस में क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन होता है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है एक दूसरे के. चलिए तो आगे करते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे. न्यूटन रिंग क्वेश्चन आएगा न्यूटन रिंग का, तो यहीं तक करना था. अब इसके आगे जो मैं करा रही हूँ न्यूटन रिंग की एप्लीकेशन है कि आप इसको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे करते हैं इसके, और लैब में जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे करते हैं. ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ. ये इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए जो लैब में है हमारे. एक तरह से वो भी तरह
ठीक है, तो अब इसे देखिए, ये क्या है, इसका माइक्रोस्कोप है, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसको इधर इधर ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। इधर इसमें क्या है, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, इधर इसके यहाँ पे हम लाइट सोर्स लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जिसकी हमें वेवलेंथ निकालनी होती है लैब के अंदर। हम इस एपरेटस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, दूसरा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए एक लेंस लग रहा है, बल्कि ग्लास प्लेट है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। फिर यहाँ नीचे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट है नीचे इसके अंदर, ठीक है। तो प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, तो ये हमारा एपरेटस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर इधर मूव कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमें रिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो इसको ऐसे समझिए। फिर इसको समझने के बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन ड्राइव कर लेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो ये वाला जो स्केल है, इसको यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे हैं, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। एमएम में ये स्केल है। फिर ये रोटेशन वाला भी होता है, अभी पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, रिंग्स नंबर, रिंग्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर रिंग नंबर का लेफ्ट साइड का रीडिंग और फिर राइट साइड का रीडिंग और इनके बीच का डिफरेंस। क्या कहना चाह रही हूँ, हमें यहाँ पे ऐसे सर्कल दिखाई देंगे फ्रिंजेस की फॉर्म में, और मैं आपसे कहूँ यहाँ पे अंदर इस जगह है ना, और मैं आपसे कहूँ कि इसका डायमीटर आप कैलकुलेट करिए, तो ये जो यहाँ पे ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर जो आईपीस है, उस आईपीस में ऐसे क्रॉस वायर है, उस क्रॉस वायर का जो ये स्टैंडिंग वाला लाइन है, वो हम इस साइड फिक्स करेंगे, इस साइड फिक्स करेंगे तो यहाँ की रीडिंग आ जाएगी राइट साइड में, है ना, और लेफ्ट साइड फिक्स करेंगे तो लेफ्ट साइड की रीडिंग आ जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट रिंग की बात करूं, नंबर ऑफ रिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए जो हमारा ये रीडिंग आया, सपोज राइट साइड का, ये हमारा आया 7.5, लेफ्ट साइड का आया सपोज 6.5, तो इनके बीच का सेपरेशन हमारा कितना आ गया, 1, यानी कि जो फर्स्ट रिंग है उसका डायमीटर हमारा D1 आ गया, 1 सेंटीमीटर या mm, जो भी स्केल है हमारा उसके अकॉर्डिंग। फिर हम नेक्स्ट रीडिंग पे आए, नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर यहाँ से नोट करेंगे, फिर यहाँ से नोट करेंगे, तो ये क्या आया, 2, यहाँ पे हमारा आया 6, यहाँ पर आया 8, इनके बीच के डिफरेंस हमारा वैल्यू आ गई कितना आ गया, 2, तो D2 2 ही आ गया, ठीक है। ऐसे करके हम डायमीटर्स कैलकुलेट कर पाते हैं, D1, D2, D3, D4 हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो एपरेटस की बात हो गई, अब डेरिवेशन देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और म्यू का फॉर्मूला कैसे बनता है ना, फिर उसको कैसे यूज करेंगे, फिर वो समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैं। मैम ये एपरेटस लैब में रखा है? हाँ ये लैब में है हमारी, है ना। चलिए तो अब हम पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और फिर लैब में तो यूज करते ही करते हैं। तो टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ, दोनों में यहाँ पे एक साथ फॉर्मूले ड्राइव करा रही हूँ, वेवलेंथ के लिए भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी। वैसे लैब में हम फिर वेवलेंथ ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको करना स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। हम वैसे जो है न्यूटन रिंग के लिए और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, अभी मैंने एक ही कर्व सरफेस लिए है, हम दोनों कर्व सरफेस लेके भी कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं, लेट म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट thin film between lower surface, between lower surface and the
between lower surface of the lens and upper surface of the glass plate. Okay. Then the diameter hum kya karte hain, dark ring ke liye note karte hain, diameter of nth dark ring dn equal to, हमने कैलकुलेट किया या डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, इक्वेशन 1. फिर द डायमीटर diameter of n plus pth, n plus pth dark ring, n plus pth dark ring, diameter of n plus pth dark ring kitna ho jayega, d n plus p square equal to 4n की जगह हो गया n प्लस p लैम्डा r अपॉन म्यू, इक्वेशन 2. क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 2 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर डी एन स्क्वेयर इक्वल टू, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पी लैम्डा आर अपॉन म्यू, इक्वेशन 3. अब क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 3 से हम चाहे तो डायरेक्ट लैम्डा का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कर सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो हम क्या करेंगे, कोई लिक्विड चाहिए होगा हमें, तब हम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. और जब लैम्डा के लिए करना है तो खाली एयर फिल्म से हमारा काम चल जाएगा. तो लैम्डा, चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. चलिए तो क्या करिए, पहले इक्वेशन 3 को से हम क्या करते हैं, लैम्डा के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, ना. तो एयर, पहले इसको एयर के लिए लिखते हैं, फॉर एयर. एयर के लिए म्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 4n लैम्डा आर, इक्वेशन 4. एयर के लिए ये बनेगी ना, भाई म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है. फिर लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर अपॉन 4 एन ई पी है ना, वहां पे पी 4 पी लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू तो ले ही रहे हैं हम आर. आप लोग इतने शांत बैठे हैं ना, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पढ़ रहे हो, तो पढ़ाने में भी ना बहुत अजीब सा लग रहा है. लिख भी रहे और साथ में कर भी रहे, सिर्फ तुम ही लिख रहे हो पवित्र, बाकी क्लास में सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं जो लिख रहे हैं. हम लोग भी हैं मैम, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं. तो ठीक है, फिर ठीक है. तो लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर 4 पी आर. तो यहाँ से हमारा लैम्डा का रिलेशन आ गया. एक बार म्यू का और रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो पीछे मैंने एक टेबल बनाई थी उसके थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, है ना. तो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4 पी लैम्डा. तो लैम्डा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं लैब में, लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर, ठीक है. अब क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लेंगे, यानी कि कोई लिक्विड आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो. तो फॉर लिक्विड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं फिलहाल लिख लेती हूँ, ये किसके लिए ले रहे हैं, एयर के लिए, ठीक है. तो ये हमारा यहाँ पे एयर है,
तो डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर. अब हम ये किसके लिए ले रहे हैं, लिक्विड के लिए. तो लिक्विड के लिए हो जाएगा हमारा 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकालना ही हमें. फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम 4 डिवाइड बाय 5. तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर एयर अपॉन डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर लिक्विड इक्वल टू म्यू. तो अगर हमें क्या है, लैब में आपको कोई लिक्विड दिया जाए, कहा जाए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो. कैसे फाइंड कर सकते हो, कि पहले एयर कुछ भी नहीं डाला आपने न्यूटन रिंग में और डायमीटर कैलकुलेट करें, ठीक है, d1 d2 d3 d4 ऐसे डायमीटर्स कैलकुलेट कर लिए. फिर dn plus p square minus dn square का एवरेज एयर का रख दिया. फिर आपसे लिक्विड दिया गया कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो इस लिक्विड को रखा, फिर डायमीटर्स कैलकुलेट किए, फिर इन दोनों डायमीटर के रेशियो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा. लैम्डा के लिए क्या किया, हमने डायमीटर्स कैलकुलेट किए, उन दोनों का डिफरेंस लिया. पी क्या है अभी एक बार डिस्कस करेंगे. आर हमारा क्या है, पता होता है हमें लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का है. जैसे हमारी लैब में 100 या 150 के अराउंड का है, दोनों में से कोई सा यूज कर लेते हैं. तो आर की जगह 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर जिस भी रेंज का हमने उस टाइम लगा रखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रखेंगे, आपका लैम्डा आ जाएगा. इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं पी किस तरीके से चूज करते हैं उस टेबल के थ्रू समझाऊंगी आपको, ठीक है. तो मैं नेक्स्ट पीछे वाली टेबल दिखा रही हूँ, इसको समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए वहाँ पे फॉर्मूला जैसे लैम्डा का, वही लैम्डा वाला फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं. यहाँ पे लैम्डा हमारा आया डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर अपॉन 4pr. तो ये p कैसे चूज करते हैं. अब हम अगर देखिए मैंने एक यहाँ पे लिखा d1 d2 d1 तो dn लिखती हूँ उसको. तो d1 तो इस केस में n कितना हो गया 1, ठीक है. सपोज मैंने p इक्वल टू 1 लिया तो dn प्लस p कितना हो जाएगा. जब d1 है n उस केस में 1 हो गया तो dn प्लस p कितना हो गया, n भी 1 हो गया, p भी 1 हो गया, यानी कि d2. तो यानी d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, ठीक है. इससे नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या हो जाएगा dn प्लस p. यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू 2 लूंगी तो हो जाएगा dn प्लस 3 यानी कि d3 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसमें से ये रीडिंग माइनस करेंगे, इसमें से ये रीडिंग माइनस करेंगे, ऐसे करके टोटल हमारे पास 10 रीडिंग्स हो जाएंगी, है ना. एक तरीका तो ये है कि p इक्वल टू 1 मान लिया, एक कि 2 कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं. एक तरीका है p इक्वल टू कोई प्राइम नंबर ले लिया, 5, 3 कुछ इस तरीके की नंबर ले लिया. तो अब कैसे करेंगे, सपोज मेरा n 1 है यानी कि d1 डायमीटर ले रही हूँ, तो dn प्लस p कितना हो जाएगा उस केस में. मेरा n 1 है, p मैं 5 चूज कर रही हूँ, तो यानी d6. तो d6 में से d1 माइनस करूंगी. फिर d2 के लिए क्या करूंगी, d7 में से d2 माइनस करूंगी, फिर d8 में से d3 माइनस करूंगी, ऐसे करके लास्ट मेरा होगा d10 में से क्या माइनस करेंगे. देखिए d8 में से ये, d9 में से d4, तो d10 में से d5. तो इस तरीके से क्या होता है, सारी वैल्यूज एक एक बार सब इंक्लूड हो गई, ठीक है. और अगर मैं d1 लेती हूँ तो हर एक वैल्यू दो दो या तीन तीन बार इंक्लूड होगी. तो p नॉर्मली हम वैसे प्राइम नंबर लेते हैं, और क्या होगा, p हम अपने आप चूज करेंगे कि हम किन किन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और कैपिटल R आपको पता होगा, d आप कैलकुलेट कर लोगे टेबल के थ्रू बाय एपरेटस. तो आप जो है लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट का. चलिए तो लास्ट हमारा ये टॉपिक है इसका, इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको करते हैं. यहाँ लिखना है why न्यूटन रिंग आर न्यूटन रिंग्स
आर सर्कुलर व्हाइल वेज शेप्ड फ्रिंजेस आर पैरेलल. कौन बताना चाहेगा मुझे आंसर कि वेज शेप्ड की पैरेलल होती हैं जबकि न्यूटन्स में जो हमें फ्रिंजेस दिख रही हैं या रिंग्स दिख रही हैं उनको रिंग्स तो हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि वो सर्कुलर दिख रही हैं कि वो सर्कुलर दिख रही हैं या रिंग्स दिख रही हैं हमें. नहीं बता पा रहे हैं. चलिए तो फिर मैं बताती हूँ. मैं उसपे प्लेनो कॉन्वेक्स यूज करते हैं इसमें. चलिए एक फिगर के थ्रू समझ. वैसे तो देखो 2D फिगर है तो उसको समझना उतना आसान तो है नहीं. अभी ये एक तरीके से ऐसे यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देती हूँ. ये दो प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर है. वेज शेप्ड फिल्म ऐसी तो बनेगी. एक ऊपर पैरेलल प्लेन है एक नीचे प्लेन है. यस मैम. ठीक है तो अभी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जिस जगह टी थिकनेस है तो ये टी थिकनेस क्या है पूरी ऐसे प्लेन में इस तरीके की होगी और ऐसे ही इधर होगी. ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है. ठीक है तो अगर इसका जो लोकस हम देखेंगे वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा इस थिकनेस का. इस टी को अगर मैं प्लेन में पूरे में ऐसे चलाऊं कि टी थिकनेस इस जगह मुझे मैक्सिमा की कंडीशन मिल रही है तो ये टी पूरा मैक्सिमा देगा इस पॉइंट पे और मिनिमा का दे रहा है तो मिनिमा देगा. तो इसलिए हमें पूरे जो इस तरीके की फ्रिंजेस दिखती हैं पैरेलल जिनका लोकस क्या है स्ट्रेट लाइन है. जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है अब इसको थोड़ा सा ना इमेजिन भी करना क्योंकि यहाँ पे तो मैं 2D फिगर बना सकती हूँ और आपको ये 3D में इमेज करना है. इस जगह टी थिकनेस है ये हमें मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है. सपोज मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है तो ये टी थिकनेस सिर्फ इधर थोड़ी होगी. ऐसे ऐसे करके टी थिकनेस पूरी ऐसे रोटेट हो रही है क्योंकि सर्किल फॉर्म करेगा इस टी थिकनेस में. अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा देगा मिनिमा है तो मिनिमा देगा. तो इसका जो लोकस है इसके ओरिजिन में इसका ओरिजिन कौन सा होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो ये कटोरी जैसे है चारों तरफ होगा पूरा सर्कल होगा है ना जहां से टच हो रहा होगा. तो ये जो टी थिकनेस है मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है तो ये पूरा एक सर्किल का ड्रॉ करेगा यानी कि जो इसका लोकस है वो हमारा सर्किल है. इसलिए हमें यहाँ पे फ्रिंजेस जो है सर्कुलर दिखाई देती है. तो इसको लिखते हैं इसको लैंग्वेज में लिखते हैं आप. चलिए इसको लिखते हैं इन न्यूटन रिंग. इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट. इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट the locus of points of equal thickness of air film lie on a circle with lie on a circle with the point of contact of the plano convex lens and the glass plate
एज ए सेंटर. Therefore, the fringes are circular and concentric. ठीक है, इन सबका सेंटर भी एक ही जगह होता है. In the case of wedged shaped air film, the loci of points of equal thickness are straight line. Next question, ये हम कर चुके हैं, देखो. Parallel to the edge. Next, ये हम कर चुके हैं, अल वैल्यू वाला. Parallel to the edge. एक question आपको ये भी करना है, फोर्थ. ये अलग है ना, हमने करा था वो अलग टाइप का था. फ्रिंजेस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे